सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ट्रांसफॉर्मेशन का 11th डे। वैसे तो मतलब अभी तक हम लोग सोई नहीं है, तो हमारे हिसाब से तो 10th डे ही चल रहा है बट स्टिल। और यहाँ पास ये शुभम फुल अपना ड्यूटी में लगा हुआ है, मच्छर की गांड फाड़ रहा है ये। और यहाँ पास हम लोग एक बंदे को एकदम मार मार पीट के लाश दफन करना है आज हमको रात को। बे शुभम, इसको कहाँ दफन करना है बे? अरे पहले इसका बोरिया लाना पड़ेगा ना, हल्का सा तो नहीं दे, बोरिया में क्या डालेंगे उसको। हाँ, अरे तो यहाँ मामा के पास, पास, इधर मामा सुधीर यहाँ के पास पास लाश रखा हुआ है, इसको हमको आज रात को ठिकाने भी लगाना है। पोस्टमार्टम कैसे करेंगे भाई? तो भाई बॉडी मेजरमेंट में दिखाऊंगा, बट मार्टिन को बोल उससे फॉरेंसिक रुक जा करेगा। भाई, भाई बोल लेने दे यार, क्या बकवास किए जा रहा है। तो भाई बॉडी मेजरमेंट तो मैं दिखाऊंगा, बट यार अभी बहुत ही रात हो गया है, ज़्यादा बोल चुका हूँ भाई, 12 बज के पार हो गया, तो अभी तक डिनर विनर हुआ नहीं है। और आज कैसे, तो यार मतलब नहीं पता, मंथ एंड आ चुका है इसलिए यार नहीं पता कैसे, तो बहुत ही गरीबों वाला आज खाना खाने वाले हैं। और क्या अभी गद्दा वद्दा कैसे फेंका हुआ है सारे, थोड़ा समेट के तो रखता है ये तेरा ही है आज साले। अरे भोसड़ी के वहाँ है मेरा। तो भाई आज डिनर में बस यही है, टमाटर का चटनी। बट लकीली मेरे पास वे प्रोटीन रखा हुआ है, तो आज भाई 4 स्कूप या 5 स्कूप वे प्रोटीन लूँगा। और ये बात मैं तो बोलता था ये पाउडर खा के बॉडी बनाता है। बहुत सड़ी। और भाई मतलब ये अच्छा हुआ कि आज सुबह सुबह मतलब 1 लीटर दूध पी लिया था मैं, तो अच्छा है कि 6-7 स्कूप तक नहीं जाएगा, 4 स्कूप या मैक्सिमम 5 स्कूप में निपट जाएगा। तो ठीक है, डिनर कर दो, उसके बाद फिर बॉडी मेजरमेंट देने के लिए चलते हैं। अबे भाई एकदम ऐसा लग रहा है ना, बॉडी मेजरमेंट बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है सारे सूट वूट सिलाने के लिए जाना है। एक काम करते हैं बे गोटी, बे गोटी चल तेरा शादी करा देते हैं, निकाह। अरे तेरा है ना, अबे मेरे को हराम भाई। जादे, अरे नाम नहीं लेना था, काट दो यार, भगवा काट दो, साला। इधर लाइव आ रही है। काटूंगा तो नहीं, बस म्यूट कर दूंगा बोल। हराम खोर निकाह देख रहा है भाई, मैं निकाह कंटेंट के लिए भाई देखो रहे हैं, बड़े बड़े छोटे मोटे लोग को यहाँ पे टारगेट किया जाता है भाई कंटेंट के नाम पे। ये देख रहे हैं, एक्सपोज भाई, इसको एक्सपोज करो। ओके सो अब सच का सामना करने का टाइम आ चुका है। और मेरे को एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं बट मोटा मोटा याद है कि रायपुर आने से पहले मेरा मेजरमेंट क्या था और वेट वगैरह क्या था। सो मैं वेट पहले वेट बता देता हूँ। रायपुर आने से पहले अगर आप लोग फॉलो करते होगे, तो मैं मसलमेनिया खेलने के लिए जाने वाला था, तब मेरा वेट था 77। और अभी मेरा वेट होगा कुछ 69 से लेकर 72 के बीच में। तो पहले अपना आर्म्स नाप लेते हैं, पास लिख रहा ना। अरे 15 पॉइंट, यहाँ से दिखा 15.4। अबे रुक जा। तो मेरा मसल इम्बैलेंस है, मेरा राइट काम्स बड़ा और लेफ्ट काम्स छोटा, इसीलिए लेफ्ट भी एक बार नाप लेना चाहिए। तो लेफ्ट का है 14.9। तो ये हाफ इंच का डिफरेंस है मेरे दोनों आर्म्स में। और मेरा राइट आर्म जो है वो मेरे को याद है, बल्किंग के टाइम मेरा 16 पहुंच गया था, और 16 से थोड़ा ज़्यादा होने ही वाला था। तो बारी है चेस्ट की। चेस्ट आ रहा है मेरा 29.5, बट ये जब मैं बल्क कर रहा था तब था 42.57, ऐसा कुछ था। वेस्ट वेस्ट के मामले में यार मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता, क्योंकि मेरा वेस्ट ज़्यादा बढ़ता नहीं है। मेरे को बल्क स्टार्ट करने से पहले ये कुछ शायद 28 था, और अभी भी 29 ही होगा जितना मेरे को लगता है। बढ़ गया यार ये तो। अबे बहनचोद, ये कैसे हो गया, मुड़ गया था क्या? रुक जाए एक मिनट, फिर से नापता हूँ। वेस्ट तो बढ़ गया यार, बाद थोड़ा अजीब सा है। मैं अभी 29 मेंटेन कर रहा था, बट ये 30.5 हो चुका है। लेग्स अच्छा आ रहा है भाई, सच बता। देखे ना अभी। तो ये आ रहा है
22.4 और फ्लक्स करने के बाद, अबे फ्लक्स करने के बाद भी उतनी ही आ रहा यार, डिफरेंस रहता है क्या? अरे काफ इधर से इधर था, काफ का जरूरत पड़ेगा, काफ ट्रेन करता है अभी। हाँ होता तो है, करता है भोसड़ी के, तू करता है शक्ल दिखा अपने को। काफ यार वैसे तो मेरा पहले से बहुत ही वीक है यार, 14.4 तो वैसे काफ काफ में भी काम करने का जरूरत है। वैसे मेरा साइज कम तो नहीं हुआ काफ का, कि पहले भी मेरे को एक बार याद है 14.4 ही था, तो बस अभी मेरा एम ये रहेगा कि अभी देख सकते हो कि थोड़ा फैट है, उतना नहीं है बट स्टिल, तो मेरा एम ये रहेगा कि मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट में 15.5 से भी ज़्यादा अपना आर्म्स लेकर जा सकूँ, और ये मसल इंबैलेंस को भी ठीक करना है। और मसल इंबैलेंस ठीक करने के लिए मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग इस आर्म्स का सिर्फ 2 दिन करने वाला हूँ, अगर वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लो, मैं 5 दिन फुल बॉडी वर्कआउट करने वाला हूँ। सो मैं इसका सिर्फ 2 दिन करूँगा और इसका सिर्फ और इसका पूरे के पूरे 5 दिन चलेगा। फोरा में भी थोड़ा डिफरेंस है बट होपफुली ये 4 महीने में कवर हो जाना चाहिए। ये बंद कर दे, रुक जा एक बार फ्लैक्स भी कर लेता हूँ। क्या कर रहा है, लेग्स दिख रहा है? हम्म, हो गया बंद कर दे बहुत है।